दोस्तों, अभी तक हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी मार्कशीट्स और अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम हार्ड कॉपी में ही साथ लेकर चलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके बाद अब अपने डॉक्यूमेंट्स को या आरसी को, ड्राइविंग लाइसेंस को और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में अपने फ़ोन में ही सेव करके रख सकते हैं और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें दिखा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय मोबाइल गाइड पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचें। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई एप्लीकेशन डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आधार कार्ड है, आपकी आरसी है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। या फिर जो डॉक्यूमेंट आपके पहले से गवर्नमेंट ने इश्यू कर दिए हैं वो ऑलरेडी आपके इस डिजी लॉकर में अपने आप आ जाएंगे। तो ये कैसे करते हैं, कैसे इस पे अकाउंट बनाते हैं, कैसे डिजी लॉकर को यूज़ करते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये है डिजी लॉकर एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब पहली बार आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ से साइन अप करना होगा और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। कुछ ही देर में आपके डाले गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP डाल के आपको यहाँ नीचे से इसे वेरीफाई कराना है। देखिए, OTP आ गया है। अब इस OTP को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और वेरीफाई पर टैप कर देना है। वेरीफाई होते ही डिजी लॉकर का आगे का जो साइनअप वाला प्रोसेस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है, या तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर ही डाल देते हैं। यूज़र नेम के बारे में आपको एक बात बता दूं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना मनचाहा यूज़र नेम रख सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं यूज़र नेम को रखने के बारे में उन्हें आपको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर हम एक पासवर्ड बना देते हैं। पासवर्ड हमें कम से कम 8 से 30 करेक्टर का बनाना है। तो हम यहाँ पर एक कैपिटल लेटर लेंगे और उसके बाद में कुछ स्मॉल लेटर्स लेंगे, साथ में हम यहाँ पर सिम्बल्स का भी यूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ नंबर्स भी लेंगे। फिर उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा रिपीट कर देंगे। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यूज़र आईडी में डाल दिया और यहाँ पर एक पासवर्ड बना दिया। यहाँ से अब इसे साइन अप कर लेते हैं। तो जैसे आप हर बार अपनी किसी ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन में 4 डिजिट का एक पिन सेट कर लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको एक पिन सेट करना है। तो यहाँ पर हम सेट पिन कर लेते हैं, इसे यहाँ से ओके करते हैं और कोई भी एक पिन यहाँ पर बना लेते हैं और इसको दोबारा भी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब देखिए, ये जो पिन है वो हमारे इस एप्लीकेशन के लिए सेट हो गई है। अब हमें बैक जाना है। तो अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई देंगी। पहला डैशबोर्ड, दूसरा इश्यूड डॉक्यूमेंट्स और तीसरा अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना आधार कार्ड लिंक करना है और आधार कार्ड लिंक करने के लिए यहाँ पर हमें ऊपर ऑप्शन दिया गया है नोटिफिकेशन में। जब हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसे टाइप कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और OTP हमारे उस नंबर पर आएगा जिससे हमने अपने आधार को रजिस्टर कराया था। यहाँ पर हमने OTP नंबर टाइप कर दिया और इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप इश्यूड डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और जब हम इस पर टैप करते हैं तो जो हमारा आधार कार्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो डिजी लॉकर द्वारा ये वेरीफाई भी हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक हमने इसे अपलोड नहीं किया है। तो हमारे आधार कार्ड से जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिंक होंगे वो यहाँ पर रिफ्रेश जैसे हम इसे करेंगे तो वो अपने आप यहाँ पर लोड हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है, अगर हमारे आधार से वो डॉक्यूमेंट लिंक नहीं है तब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आपको तब जाना है सर्च के बटन पर। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे डिपार्टमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वो अलग अलग प्रदेशों में जो जो सर्टिफिकेट भी जारी होते हैं वो मिल जाएंगे। तो जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर कभी आपने गवर्नमेंट से उनको इश्यू कराया है और वो सर्टिफिकेट अगर आपके आधार से लिंक हैं तो बस उस पर टैप करते ही वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम मैच कराया जाएगा, सर्टिफिकेट आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे जैसे ही आप ओके करेंगे ये दोनों चीज़ें डालने के बाद में और गेट डॉक्यूमेंट पर टैप करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपकी इस लिस्ट में
ऐड कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप अपनी आरसी को इससे जोड़ना चाहते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन को इससे जोड़ना चाहते हैं, तो भी आपको सिंपल ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर आपको आरसी की थोड़ी सी डिटेल्स देनी होगी और गेट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही आप इसे टैप करेंगे तो वो जो आरसी है वो आपके डिजी लॉकर में आ जाएगी। तो ये तो हो गया इश्यूड डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है उसका तरीका। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपलोडेड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, आप इश्यू डॉक्यूमेंट में जाकर उसको नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ये ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा फोल्डर का ऑप्शन और एक मिलेगा अपलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो डिजी लॉकर है इसे आपको परमिशन देनी होगी आपके फ़ोटो और मीडिया डिवाइस को एक्सेस करने की। यहाँ से आप इसे अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइल्स और कंटेंट अदर ऐप्स। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो अदर ऐप्स में आपकी जो पूरी गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, आपने जो कैमरे से फ़ोटो खींचे हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे और आप किसी भी फ़ोटो को यहाँ से लेके उसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप उसको जैसे ही टैप करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो डिजी लॉकर आपके बहुत काम आ सकता है अगर आप अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। और ख़ासतौर पर वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं अपनी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को कैरी नहीं कर पाते हैं तो फ़ोन में बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं और पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर डिजी लॉकर से उसे आराम से दिखा सकते हैं। अच्छा, उसका जो नोटिफिकेशन है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कौन सा वो नियम है जिसके तहत किसी पुलिस अधिकारी को अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो उसको मानना पड़ेगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। आशा है दोस्तों ये डिजी लॉकर ऐप आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।